नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी ओनली के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आरएस मेंस का एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर करने के लिए जो सबसे ज़रूरी और जो आवश्यक की चीज़ होती हैं वो होती हैं बेहतर आंसर राइटिंग। तो आप सबकी आंसर राइटिंग अच्छी हो सके और आपको सबको आंसर राइटिंग के लिए कुछ प्रैक्टिस मिल सके, इसी के तहत हमने ऐसा फैसला लिया है कि मंथ में एक या दो बार हम कुछ ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे और आप लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। तो इस फ्रिक्वेंट इसको जो उपलब्ध कराने वाले क्वेश्चन को हैं उनकी उनको डेली भी उपलब्ध कराया जा सकता है या वीकली भी उपलब्ध करवाने की सोच सकते हैं। तो इसके तहत हम आपको जो आज क्वेश्चन उपलब्ध करा रहे हैं, पाँच क्वेश्चन उपलब्ध करा रहे हैं और उन पर आपको 15 वर्ड्स में 15 शब्दों में कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखना है। आपको कमेंट बॉक्स में इसलिए उत्तर लिखने को कह रहा हूँ ताकि आप एक दूसरे के जो आंसर को हैं इवेल्युएट कर सकें और मैं भी सब आप लोगों के आंसर को पढ़ सकूँ, और अगर संभव होगा तो हम इसका इन सब का मॉडल आंसर भी उपलब्ध करवाएंगे। तो जो क्वेश्चन है उन पर थोड़ा सा सरसरी नज़र डाल लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको रानी पद्मिनी के बारे में लिखना है 15 वर्ड में। दूसरे क्वेश्चन में आपको रोहिंग्या जो रेफ्यूजीज हैं उन पर लिखना है। तीसरे क्वेश्चन में मिताली राज के बारे में लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन में जीएसटी के बारे में लिखना है। और फिफ्थ क्वेश्चन में प्रेमबल एस्तकी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी प्रस्तावना संविधान की कुंजी है इसके पर आपको टिप्पणी करनी है। 15 वर्ड्स में लिखना है। एक दो वर्ड्स आप लिमिट ऊपर नीचे कर सकते हैं लेकिन जो वर्ड लिमिट है उन पर स्ट्रिक्ट रहना है। और आपसे अनुरोध है कि आप आंसर राइटिंग जरूर करेंगे क्योंकि ये आपकी बेहतरी के लिए हैं। बिना आंसर राइटिंग के आरएस मेंस को क्लियर करना मुश्किल नहीं नामुमकिन जैसा है। तो आप इन क्वेश्चन पर जरूर अभ्यास कीजिएगा और अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो फिर हम सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज भी आपको आंसर राइटिंग के लिए कुछ क्वेश्चन उपलब्ध करवाएंगे। तो इस यूट्यूब वीडियो को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।